बीम इसकी ये हाइट है इसकी, गेट आपको लेना पड़ेगा। स्वागत है आपका दोबारा से एक और अनदर इम्पॉर्टेंट एसेंशियल वीडियो का। तो जैसे कि अब हम स्पीति राइड के लिए निकलने वाले हैं, उसके लिए हमें क्या क्या चीज़ें प्रिकॉशंस होनी चाहिए और बाइक किस तरीके से तैयार होनी चाहिए, मैं उसी के बारे में बात करूँगा। वीडियो में मैं आपको सबको दिखाने वाला हूँ टोटल सेटअप, कि आपको स्पीति जाने से पहले अपनी बाइक को किस तरीके से तैयार करना है और क्या क्या चीज़ें आपको रखनी पड़ेगी और किस चीज़ों का आपको बिल्कुल अच्छे से यूज़ करना है। तो वीडियो को लंबा ना करते हुए हम आगे बढ़ते हैं वीडियो में, ताकि आपको भी अच्छी से अच्छी नॉलेज गेन होती रहे। सो बने रहिएगा वीडियो में, वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, लेट्स गो। रॉयल एनफील्ड, और अभी हमारी गाड़ी की सर्विस हो रही है। देखो वो गाड़ी में पहले ही धो के उधर लगा दी इन्होंने बड़ी पीछे। वी आर गोइंग लॉन्ग राइड। क्लच वायर बदल रही है, पहले वाली हार्ड हो गई दो राइड करने के बाद, क्लच वायर बदली जा रही है। सही है यार, एक ही बारी का जनरेट करता हूँ। क्लच वायर जिसमें लगती है यहाँ, पहले वाले डिस्क पैड थे वो बिल्कुल ऐसे हो गए, डिस्क पैड नए लगाए अभी लगता है डिस्क पैड। अगले डिस्क पैड भी लग गए दोबारा। सबसे पहले मैं बात करूं, ये मेरा एक बैक रेस्ट है पुराने वाला, जो आपने यही देखा होगा हर बार लगा हुआ मेरी बाइक में। ये बहुत अच्छा है, इसमें अभी तक कोई दिक्कत नहीं आई है दोस्तों। मैंने इसका एक डेडिकेटेड वीडियो भी बना रखा है, मैंने आई बटन में मैं आपको दे देता हूं। बट क्या है, इसको मैं क्यों रिप्लेस किया मैंने, क्योंकि ऐसा मेरा अजम्पशन आ रहा है, ऐसे मेरे मन में एक डाउट है कि इसका ये जो रॉड है ना, ये मोर देन 15 kg नहीं ले पाएगा। अवल तो मैं 15 kg नहीं माउंट करने वाला हूँ, फिर भी मैं ये सोच रहा हूँ कि अगर मैंने अब तक तो इसमें मैंने 7 kg से नीचे ही लेस देन ही मैंने अपना वेट माउंट किया है। बट मेरे दिमाग में ये क्वेश्चन है, अगर क्या होगा अगर मैं 10 kg से ज़्यादा इसमें वजन अपना माउंट कर देता हूँ, और वहाँ गड्ढों के अंदर जब झटका पड़ेगा क्या ये मुड़ सकता है, ये मेरे मन में एक डाउट है। बाकी अभी तक इसमें कोई दिक्कत नहीं आई है, टू बी ऑनेस्ट ये बहुत अच्छा है, बहुत अच्छी बिल्ड क्वालिटी है इसकी। तो मैंने इसको रिप्लेस क्यों किया, इसका पीछे यही रीज़न है, लाइक गड्ढों के अंदर मैं अपनी बाइक चला रहा हूँ, जैसे कोई गड्ढा आ गया तो एकदम से सडन स्पीड में स्लो डाउन नहीं हो पाती बाइक, कई बार ऐसा होता है। तो उसमें क्या होता है, जब आपका वज़न माउंट हो रखा होता है ना 17 kg जो भी आप माउंट करना चाहो, 5 kg 7 kg आपको लगता है वो बेटर है, और ये भी आराम से स्ट्रेंथ ले लेता है। मैं इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं अदर कैरियर की बात कर रहा हूँ। तो कई बार ऐसा होता है वज़न झटका आने पे ना ज़्यादा फोर्स होती है, तो वो यहाँ से बेंड हो जाता है नीचे, क्योंकि फोर्स लग जाती है उसमें, जो फ्रिक्शन आता है ना ज़मीन की ओर जाता है वो सामान, ऐसे ही यूँ जैसे यूँ सामान बांधा हुआ है तो वो ऐसे ही यूँ छल के यूँ नीचे भी जा सकता है। तो उस चक्कर में मेरे मन में एक डाउट था कि यार इसको रिप्लेस कर देता हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि स्पीति राइड के अंदर मेरे को दिक्कत आ जाए। अब जैसे कि अपनी राइड होने वाली है स्पीति में, इतनी इन्फॉर्मेशन देता हूँ, तो राइड भी बहुत अनोखी होने वाली है, और लोगों की तरह नहीं करने वाला मैं, बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है राइड। तो इसके चलते चलते मैंने क्या करा, मैंने बैक रेस्ट ही अपना रिप्लेस कर दिया। पहले आप ऐसे देख लो, दुकान से माइंड मत करना दोस्तों, ये मेरे बड़े भैया की दुकान है, तो मैं इसी के अंदर अपनी बाइक में मतलब मॉडिफिकेशन वगैरह करता रहता हूँ। अब मैं बात करता हूँ इसकी स्ट्रेंथ की और इसकी फिटिंग की। फिटिंग बहुत सिंपल है, यहाँ से जैसे उसमें दो बोल्ट थे ये वाले, एक दो, इसका कुछ नहीं होता रोल, ये ऐसे ही होता है सारी गार्ड के लिए, इसको भूल जाओ। एक दो, जैसे इसमें दो दो थे होल, सेम इसमें भी हैं, इसके अंदर यहाँ पर एक दो, उसको खोलना है और लगाना है, दैट्स इट।
और कुछ नहीं करना। और ये इसको आप रिमूव भी कर सकते हो बैक रेस्ट को अगर चाहते हो तो, यहाँ से तीनों बोल्ट खोलो और ये ढीला हो जाएगा, निकाल दो। अब इसके पहले तो मैं बात करता हूँ, याले बैक रेस्ट में आपको 9 इंची का ये हाइट है इसकी, मतलब वेट तो कह लो, वेट तो वैसे ऐसे होती है, ये 9 से ज़्यादा ही है अगर मैं करूँ तो। ये पूरा 9 है और उसमें 9 नहीं था, प्रॉपर उसमें 9 नहीं है, क्योंकि 9 सिर्फ यहाँ पर है, यहाँ पर तो नहीं है ना 9 इंच, वो पूरा यहाँ यहाँ तक 9 है। ये देखो ये आगे पूरा यहाँ यहाँ तक 9 है। एक तो मुझे ये मिल जाता है इसमें प्लस पॉइंट, दूसरा इसका वाइड बैक रेस्ट, मतलब कमर लगाने पे मुझे ऐसा फील नहीं होगा, बैक रेस्ट ऐसे वो भी बहुत बेटर था, इसका वाइड बैक रेस्ट मिल जाता है। तीसरा इसकी स्ट्रेंथ की बात करूँ तो, जैसे कि आपने वाला देखा था उसमें सिर्फ एक ये सिंगल रॉड थी। अब क्या होता है, जब मोशन आता है ना, जब फोर्स आती है गड्ढे के अंदर बाइक चल रही है और मोशन क्रिएट होता है, फोर्स क्रिएट होती है ऊपर से, तो जो सामान बंधा होता है ना वो फोर्सफुली नीचे की ओर धकेला जाता है ग्रेविटी फोर्स के थ्रू, वो ऐसे होके ऐसे हो जाता है, तो उसमें क्या होता है ये बेंड हो सकता है आपका, है ना। तो इसी चीज़ का डाउट था मुझे, तो मैंने ये डबल स्ट्रेंथ वाला मंगाया। इसमें ये ऐसे बेंड नहीं हो सकता क्योंकि यहाँ पे एक चपटा पाइप लगा हुआ है, इसमें एक चपटा पाइप लगा हुआ है, ये इतना बड़ा बेंड नहीं हो सकता क्योंकि ये बेंड यूँ नहीं हो सकता, यहाँ पे चपटा पाइप है और इसमें एक चपटा पाइप यहाँ लगा है, लाइक ये यूँ तो हो नहीं सकता, अगर यहाँ से मुड़ना चाहेगा इसकी वजह से तो इसको इसने पकड़ा हुआ है, तो ये ऐसी अपनी पोजीशन पर रुका रहेगा चाहे मैं इसमें 20 किलो क्यों ना बांधूँ। बट टू बी ऑनेस्ट यार, 20 किलो मैं नहीं बांधता हूँ, मैं कभी भी 7-8 किलो से ज़्यादा मैं सामान माउंट नहीं करता हूँ। आप पीछे बहुत ज़्यादा वेट बांध देते हो ना, देखो मैं मानता हूँ कंपनी क्लेम करती है, फ्लिपकार्ट है, अमेजोन, सब जगह पर क्लेम आता है इस पर, क्या इसे 30 किलो बांध लो, इसे 50 किलो बांध लो, जो भी बांध लो, यार ये सब फालतू की बातें हैं, इन बातों में मत पड़ना। बांधने को आप यार कितना भी बांध लो, इसमें 200 किलो बांध लो मैं तो ये बोलूँगा, लेकिन गाड़ी चलेगी आपसे? नहीं चलेगी। क्यों नहीं चलेगी? उसका एक रीज़न है, एक जब पीछे इतना ज़्यादा फोर्स हो जाता है ना टेल पर, तो गाड़ी का जो आगे का हैंडल होता है ना वो डगमगाने लगता है, खास करके अपवर्ड हिल पे। जो अपवर्ड हिल्स पर आप चलाओगे गाड़ी, वो एक तो इतना ज़्यादा स्टीफ होता है और ऊपर से आप उसमें गाड़ी चलाते हो तो उसमें क्या होता है, आपकी गाड़ी आगे पीछे हिलने लगती है और पीछे ज़्यादा वजन होता है तो पीछे की वजह से वो गिर जाती है। तो बाइक कुछ इस तरीके से लग रही है इसे लगाने के बाद, ये काफ़ी ज़्यादा हाइट है यार इसकी, मतलब अच्छा खासा ऊँचा है। तो अभी मैं दूसरी एसेंशियल चीज़ बताता हूँ जो आपको सेट करनी है बाइक के अंदर। दोस्तों दूसरी जो इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी नाइट राइडिंग में, इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है फॉग लाइट, थोड़ी गंदी हो रही है एक्चुअली, इसको सेट करना पड़ता है। आप अगर नीचे लगाते हो तो आपको एक माइनस पॉइंट ये है, अगर आपकी बाइक कहीं पे गिरती है, कोई साइड में से निकल के जाता है ना, तो इसका फोकस आउट हो जाता है, यहाँ पर कोई मार के चले जाता है। कई बार ऐसा हुआ, आपको दिख भी रहा होगा, देखो यहाँ पर थोड़ी सी चोट लगी हुई है इसमें, तो कई बार ऐसा होता है ये अपना फोकस खो देती है। तो आपको जब भी निकलना हो आप उससे पहले अपनी ये सारी चीज़ें, इनका बीम का फोकस, इसका फोकस सेट करना पड़ता है। अभी मैंने इसी का ही फोकस सेट किया है, इन अपनी एलन की से खोल कर दिखाता हूँ आपको। इनका फोकस सेट करने के बाद इसकी बीम दिखाता हूँ मैं आपको कितनी अच्छी हो गई है। ये अब एक लेवल में है जो बीम है, ये लेवल में, पहले ये वाली बीम आउट हो रही थी, अगर मैं ऊपर वाली देखूँ तो बीम ऊपर वाली भी बहुत अच्छी चल रही है, येलो चल रही है, ये वाइट चल रही है। सो ये चीज़ है, मैंने अपनी ये जो बीम है ये मैंने पूरी एग्जैक्ट वैसे कर दी है जैसे मुझे चाहिए थी। तो पहले आप ये देख लो ये बीम इसकी कितनी अच्छी कर दी है मैंने बाइक। तीसरी एसेंशियल चीज़ है ये हॉर्न, आप देख रहे होंगे आपकी हंटर में यहाँ पर माउंट होता है, ये हॉर्न यहाँ पर लगा होता है, मैंने इसको यहाँ पर लगा दिया। मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है दोस्तों, जब हम पानी में बाइक चलाते हैं ना इसमें पानी पड़ता है, इसकी बैंड बच जाती है और इसकी चेतक स्कूटर से भी बुरी वाली आवाज़ हो जाती है। तो मैंने क्या करा, यहाँ तक तो अपनी पानी का फ्लो आता है ये टायर से, इतना आता है, इससे ज़्यादा नहीं आता पता है मुझे। और अगर हम डीप वाटर में चलाते हैं वो हद से इतना होता है, डीप वाटर में आप भगाओगे तो नहीं आराम आराम से चलाओगे, क्योंकि गड्ढा आ जाए तो आप तो बैंड बच जाएगी, इसलिए आप आराम से चलाओगे, तो यहाँ तक आता है उसमें पानी, मतलब इंजन के यहाँ तक। तो उसके लिए क्या करा मैंने, हॉर्न की रिप्लेसमेंट यहाँ कर दी मैंने, उसको वहाँ से रिप्लेस करके यहाँ लगा दिया मैंने। अब हॉर्न क्या है मेरा बहुत लाउड चल रहा है और कोई दिक्कत नहीं, कोई पानी नहीं आने वाला। तीसरी एसेंशियल चीज़ है आपका एक क्लच वायर, यू हैव टू ऑलवेज चेक योर क्लच वायर बिफोर लीविंग द हाउस। ये वाले जो इसमें तार है बीच में, अगर इसमें आप लगे कि यहाँ से कुछ निकल रहा है, सिल्वर दूर हो गया, तो इसका मतलब आपको वो रिप्लेस करना पड़ेगा। आपको एक क्लच वायर देखना है और अपने साथ एक टूटी ऑयल की छोटा सा पाउच रखना है, कि आपको जब भी आपको लगे कि यार हाँ आप सूख गया होगा, क्योंकि राइड पर बहुत जल्दी ये ड्राई हो जाता है, तो आप इसमें टूटी ऑयल डाल दें।
बिफोर गोइंग टू स्पीति आपको ये चेन का बहुत अच्छे से ध्यान रखना पड़ेगा दोस्तों। तो कोई भी चेन क्लीनर लो, उससे क्लीन मार लेना, अपने पास रख लेना एक चेन ल्यूब और चेन क्लीनर। जब भी आपके 200 किलोमीटर हो और आपको लगे चेन बहुत ज़्यादा डस्टी हो चुकी है, इसको धोना पड़ेगा या साफ़ करना पड़ेगा, चेन क्लीनर मारो और कपड़े से साफ कर लो, बात खत्म। अगर आपको 200 किलोमीटर वाला लगता है चेन तो बिल्कुल साफ है, बट हाँ 200 किलोमीटर होगा थोड़ी कट-कट बोल रही है, बोल सकती है, तो आप खाली ल्यूब मार दो, काम बन जाएगा। और ल्यूब मारते वक्त ल्यूब यहाँ मारना है, इस तरीके से, उधर मत मारना, उधर हाथ चला जाता है। तो कम से कम वज़न बाइक पे रखना है अपना, फालतू वज़न बिल्कुल हटा देने का। जैसे कि अब मैंने ये सैडल स्टे लगा रखा है, ठीक है, अब ये दोनों तरफ मेरा क्रैश गार्ड का काम कर रहा है, इतनी तो विड्थ रहे इसकी। तो अब आपको क्या लगता है कि हमें सारी गार्ड की ज़रूरत पड़ेगी, या अकेला ही कम से कम 1.5 से 2 किलो का है सारी गार्ड? अगर हम सारी गार्ड को लगा के रखते हैं, कुछ गलती नहीं है, बिल्कुल सही है, अब तक मैंने लगा के रखा था, लेकिन अब क्या है ना, मुझे पीछे माउंट थोड़ा ज़्यादा करना है, थोड़ा हैवी वेट करना है, तो बाइक पे मैं कम से कम वज़न कैरी करने की कोशिश कर रहा हूँ, बट वो बढ़ रहा है। तो ऐसी कोई चीज़ आप रखे ना बाइक पर आप माउंट करके, जिसको जो बेफिजूल की हो। अब ये सारी गार्ड अभी के लिए फालतू है, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी क्रैश गार्ड ये है यार दोनों तरफ, ठीक है, और लेडीज़ फुट रैक का काम ये पहले से ही करता है, तो मैं सारी गार्ड को रिमूव कर दूंगा, कम से कम मेरा 2 किलो तो वज़न कम हो जाएगा बाइक पर से। ऐसा टूल किट आपको लेना पड़ेगा दोस्तों, आप इतनी लंबी अगर राइड करने वाले हो ना, तो ऐसा टूल किट आप ले लेना, बहुत ज़्यादा महंगा नहीं आता, सस्ते ही आता है, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा आपको, ठीक है। उसमें ये आपका पाना आता है इस तरीके से, इसमें मैंने ये बोटी लगा रखी है 12 नंबर की, इसमें निकाल भी सकता हूँ, लगा भी सकता हूँ, ठीक है, कोई सा भी मैं लगा सकता हूँ, LN की कोई सा भी बोर्ड लगा सकता हूँ, इसमें कोई सा भी मैं इसमें स्क्रू ड्राइवर इंस्टॉल कर सकता हूँ। तो ये बहुत ईजी होता है, ये आपने 12 नंबर का सारी गार्ड वाला मैंने देख लिया था, ये वाला नट मैं इसी से खोल रहा हूँ, इसको यहाँ से मैंने पुश करने का है और ये लगने का है। अगर टाइट करना हो तो इधर कर दूंगा इसको इस तरीके से, और ढीला करना है किसी नट को तो मैं इसको इस बॉल पे कर दूंगा, सिंपल है। इसे लगाया, ये देखो सारी गार्ड का ये वाला नट मैंने खोल दिया, ये देखो उधर से वो ढीला हो गया, तो मैं इसको निकालने वाला हूँ। एक नट यहाँ खुलेगा, एक नट यहाँ खुलेगा, और एक नट इसके पीछे खुलेगा यहाँ पर, जो ऑलरेडी मैंने खोल दिया था इसे लगाते हुए। वेट बताओ ना, लगभग 1 किलो के आसपास है, 1 किलो ज़्यादा ही लग रहा है मुझे, अच्छा खासा वेट है इसके अंदर। अपने आप को है ना कम से कम बाइक पर वज़न डालना है, मैं तो कोशिश करूँगा मेरा लगेज भी कम से कम हो, क्योंकि स्पीति राइड में यार अगर ज़्यादा वज़न होगा तो फिर मुझे ही मैनूवर करने में बहुत दिक्कत आने वाली है दोस्तों। तो अब जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ है ना, वो ये है, ये सम गार्ड आप देख लो। ये आप सोच रहे हो आमिर भाई ने तो आफ्टर मार्केट लगवाया था कहीं से, ये चढ़ा गए, इसको माइंड मत करना। बाकी ये JB का है, इसका ये मैंने अलग से मंगाया, और इसकी फिटिंग यहाँ होती है देखो। तो यही है वो सम गार्ड जो मैंने इंस्टॉल किया बाइक के अंदर, इसकी फिटिंग देखो बहुत आसान है करना, DIY है सारा, ये एक यहाँ लगता है और एक ये पीछे वाले बोल्ट में लग जाता है। बाकी बहुत ईजी तरह से लगाना, मैंने खुद से लगा लिया, ये आवाज़ नहीं कर रहा। पहले जो लगवाया था आफ्टर मार्केट वाला, उसमें क्या था कर रहा था, वो इंजन की वाइब्रेशन के साथ आवाज़ कर रहा था, लाइक ऐसा लग रहा था इंजन की अब काम होना बाकी, काम ही होगा तो इंजन का। बट ये लगाने से क्या हुआ, ये क्या अमाउंट हो गया, अरे स्टैंड पे अमाउंट हो गया, तो इंजन की वाइब्रेशन इस पर नहीं जा रही, तो ये साउंड नहीं कर रहा बिल्कुल, बहुत ज़्यादा ठीक है, बहुत ज़्यादा ठीक है और पावरफुल है। तो ये प्रोटेक्शन हमने से लगाई है, क्योंकि हम जब वाटर क्रॉसिंग करेंगे ना, नीचे कई बार चट्टान होती है, तो चट्टान अब इंजन पर नहीं लगेगी, इस पर लगेगी। और बेस्ट पार्ट इज दैट, अगर आप इसे सर्विस सेंटर लेके जाते हो, ये रिमूव करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर सर्विस सेंटर लेके जाते हो, क्योंकि ये ऐसे खुला हुआ है, इंजन ऑयल का यहीं से ऑयल सारा पुराना निकल जाएगा। कुछ इस तरीके से इसमें ये आते हैं, ये आपके वाशर हैं, और ये आपके सारे नट बोल्ट हैं, नट हैं मतलब बोल्ट हैं, और ये पेच हैं, और इसके साथ ये दो लंबी लंबी ये आई है। तो दोस्तों कुछ इस तरीके से पार्सल आता है JB की वेबसाइट से, ये DIY है सारा, मैंने आपको दिखा दिया फिटेड किस तरीके से फिट होता है, आप खुद भी कर सकते हो, ज़रूरी नहीं है कि आपको मिस्त्री के पास जाना पड़े। तो ये कुछ छोटी मोटी चीज़ें थी जो आपको स्पीति या लद्दाख जाने से पहले आपको करनी पड़ती हैं, और आपको इन सब चीज़ इन सारी बातों का ध्यान रखना पड़ेगा। वीडियो में आप लोग बने रहे उसके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस। मैं आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो बहुत पसंद आया होगा, इसको लाइक करो, शेयर करो एंड सब्सक्राइब करो मेरे चैनल को, और बेल आइकन भी दबा देना ताकि आपको लेटेस्ट अपडेट मिल जाए, क्योंकि मैं स्पीति राइड पे निकलने वाला हूँ, बहुत लॉन्ग राइड होने वाली है, पूरा सर्किट कवर करके दिखाऊंगा इन्फॉर्मेशन के साथ, जैसे कि मेरी हर एक वीडियो इन्फॉर्मेटिव होता है। तो आपने वीडियो देखा, थैंक यू गाइज, मैं दोबारा थैंक यू बोलूँगा, मिलते हैं नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय फॉर नाउ।